मुंबई में कल रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई के हिंदमाता, लोअर परेल, सायन, भाईखला, अंधेरी, जोगेश्वरी में कई जगहों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भरने को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं शुक्रवार तक पूरे महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी दे दी गई है। ऐसे में अगले दो दिन मुंबई के लिए मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए लोअर परेल, हिंदमाता, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। शुक्रवार तक पूरे महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी भी दे दी गई है। ऐसे में अगले दो दिन मुंबई के लिए मुसीबत से भरे साबित हो सकते हैं। बीती रात मुंबई में कुछ ही देर मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो चुका है। इस समय हम मुंबई के सायन इलाके के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, जहां 2 से 3 फीट तक का पानी भरा जा चुका है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही अहम सड़क है जो मुंबई को थाने से जोड़ती है। जो छोटी गाड़ियां हैं वो उनका इस रास्ते से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। और ये हाल कुछ ही घंटों के बारिश में है। और मुंबईकरों के लिए मौसम विभाग ने भी कल एक अलर्ट जारी किया हुआ है कि अगले 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते मुंबईकर घरों से बाहर ना निकले, ऐसी एक अलर्ट मुंबई मौसम विभाग के द्वारा लोगों में दी गई है। रमाकांत तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। चीन से तनातनी के बीच लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद अब श्रीनगर और करगिल को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। जोजिला दर्रे के पहाड़ पर ब्लास्ट कर इस सामरिक महत्व की सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है और साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। इसके चलते करगिल और लेह लद्दाख के लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और बालटाल से हाईवे नंबर 1 पर आवाजाही बंद हो जाती है। राजमार्ग बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना की मूवमेंट भी प्रभावित होती है, लेकिन टनल बनने के बाद कश्मीर के जरिए करगिल और लेह लद्दाख के लिए आवाजाही 12 महीने खुली रहेगी। इसके साथ ही दर्रे को पार करने में जो 3 घंटे का समय लगता है, वो भी इस टनल के बनने से मात्र 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। मुंबई की कांदिवली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट गई है, क्योंकि वीडियो में उस लड़के ने जान जोखिम में डालने वाले स्टंट किए, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में दिखा कि वो लड़का एक इमारत की 23वीं मंजिल के छज्जे पर हाथ के बल खड़ा हो गया। बिना किसी सुरक्षा उपाय के उसने काफी देर तक वहाँ स्टंट किया। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि जरा सी चूक से वो लड़का 23वीं मंजिल से सीधा जमीन पर गिर सकता था। स्टंट करने वाले लड़के कौन है वो हमें पता चला है और हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। स्टंट करने वाले लड़के की तलाश में जुटी पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और साथ ही इमारत की छानबीन भी की गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब यह है कि सर्दियों की शुरुआत से पहले ही हवा बेहद खराब हो गई। सुबह के वक्त आसमान में धुएं वाला कोहरा साफ दिखाई दिया और हालत ये हो गई कि अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने बने पुल से मंदिर धुंधला दिखाई देने लगा। मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर को आप देखेंगे तो आपको धुंध की चादर में मंदिर लिपटा हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा धुंध आज नजर आ रही है। दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी हालात ऐसे ही रहे। इस वक्त हम राजपथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब स्मॉग का जो असर है वो दिखने लगा है। ये तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन की देख रहे हैं, जो हल्की हल्की धुंधली नजर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक हालात बेहतर होने के कोई आसार नहीं है। हवा चल नहीं रही है तो जो पॉल्यूटेंट है वही दिल्ली के NCR में ही एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए, जिससे आपका जो लेवल आपका बढ़ा हुआ है। और चूंकि हवा चल नहीं रही है, इस वजह से ये आगे किसी भी डायरेक्शन में डिस्पर्स नहीं हो पा रहे। मौसम विभाग का मानना है कि प्रदूषण का स्तर कम होने के लिए बारिश का होना या तेज हवाओं का चलना जरूरी है, जिसके फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहा है। इसीलिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया, यानी ऐसा प्लान जिसके तहत प्रदूषण के स्तर के हिसाब से तय कदम उठाए जाएंगे। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आदेश के मुताबिक कल से दिल्ली में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा डीजल जेनसेट के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। बड़े निर्माण कार्यों पर भी ग्रैब के तहत पूरी तरह
बड़े निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे। ऐसे हर काम पर रोक रहेगी जिसमें धूल उड़ने या प्रदूषण होने की आशंका हो। सड़कों की सफाई के लिए एजेंसियों को मशीनों के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। साथ ही प्रदूषण के हॉटस्पॉट यानी वो जगहें जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है वहां पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी का इंडेक्स पिछले 8 महीनों में 300 के पार नहीं गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने आइसक्रीम पार्लर में जमकर हंगामा किया। महिला ने आइसक्रीम पार्लर के मालिक पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया और उसकी दुकान पर पहुंच गई। महिला ने वहां रखा एक स्टूल उठाया और तोड़फोड़ करती दिखाई दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने महिला को शांत करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और हंगामा करती रही। दो बच्चों को बाप निकला, मेरे से झूठ बोल के शादी कर ली सारे समाज मंदिर से। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और महिला के साथ ही आरोपी को भी थाने ले आई। 3 साल पहले शादी की थी है ना, तो ये दोनों पति पत्नी बनकर रहते थे, जो इसने शादी कर दी इसको अभी 20 जून को उसको पता लगा कि इसने पहले से शादी करी है। हंगामा कर रही महिला ने पुलिस पर भी अनदेखी के आरोप लगाए। यूपी के पीलीभीत में किसानों की अनदेखी पर डीएम पुलकित खरे का गुस्सा भड़क गया। वो मंडी समिति में औने पौने दामों पर धान खरीदे जाने की शिकायतें मिलने पर वहां अचानक पहुंचे और जब उन्होंने वहां मौजूद किसानों को परेशान देखा तो वो आग बबूला हो गए और मंडी में मौजूद अफसरों को एक एक कर फटकार लगाई। सिर्फ अपनी सांठगांठ में लगे रहते हो मिल्स के साथ। कोई सांठगांठ नहीं। बिल्कुल। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकारी सेंटरों पर धान नहीं खरीदा जाता जिस वजह से उनके लिए वहां के व्यापारियों को समर्थन मूल्य से कम दामों पर धान को बेचना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे डीएम ने मंडी का खुद मुआयना किया जिसके बाद अफसरों को उनके तल्ख तेवरों का सामना करना पड़ा। यहां जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब अर्थी उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे सब? डीएम को एक्शन में देखकर वहां मौजूद किसानों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। डीएम ने बताया कि मंडी समिति के अफसरों पर नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उसके बाद आगे भी जिम्मेदारी तय कर जाएगा। बताया गया कि मुआयने के दौरान सेंटरों से नदारद रहे 4 कर्मचारियों को भी डीएम ने निलंबित कर दिया। पुणे में रात भर से जारी भारी बारिश से पानी भर गया। महाराष्ट्र के पुणे में रात भर से जारी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर तेजाब फेंकने के मामले में एक बहन को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया। श्रीनगर और करगिल को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम आज से शुरू होगा। क्लाउड स्टोरेज कंपनी ड्रॉपबॉक्स अपने सभी कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम देकर फर्स्ट वर्चुअल कंपनी बनने जा रही है। यूपी के झांसी में लड़की को भगाने के आरोप में एक लड़के की लड़की के घर वालों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए तिब्बत में अपनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के कमांडरों के बीच एलएसी पर शांति बहाल करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी करके उकसाने की कोशिश भी की जा रही है। दावा किया गया कि ये तस्वीरें चीन की सेना के अभ्यास की हैं जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को छोड़ते हुए दिखाया गया। चीन ने दावा किया कि अभ्यास तिब्बत में 4300 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस अभ्यास में रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए। माना जा रहा है कि इस तरह के वीडियो जारी कर चीन ऊंचाई वाले इलाकों में भी अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश में है। केंद्र की ओर से कृषि कानूनों के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई बैठक में कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी पर किसान संगठनों के नेता भड़क गए और बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए। इस मीटिंग में केंद्र की ओर से पंजाब के करीब 30 किसान संगठनों को बुलाया गया था जिसके नेता इस उम्मीद से आए थे कि उनकी कृषि मंत्री से सीधी बात हो, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो भड़क गए और बैठक से बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। किसान संगठनों से जुड़े इन लोगों ने कृषि बिल की कॉपियां फाड़कर सड़क पर फेंक दी और उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगे। यही नहीं, ये लोग लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे।
पंजाब के इन किसान संगठनों को केंद्र से बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठक में उनसे बातचीत करने के लिए कृषि सचिव आए न कि कृषि मंत्री। यही बात किसानों के गले से नीचे नहीं उतरी और उन्होंने बैठक से वॉकआउट कर दिया। यही नहीं, आग बबूला किसानों ने केंद्र पर उनके साथ धोखा करने का आरोप तक लगा दिया। जो हमारे को कहा गया था कि इसमें मिनिस्टर शामिल होंगे, वो मिनिस्टर पंजाब में गए हुए हैं, हमें चीट किया गया है, इसलिए हमारे में गुस्सा है। कृषि सचिव की ओर से 10 अक्टूबर को इन किसान संगठनों को न्योता दिया गया था, जिसमें लिखा था कि केंद्र सरकार उनसे बात करना चाहती है। हरियाणा के जींद में एक थाने के बाहर मौजूद सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस वालों ने पीट दिया। एक ही परिवार के ये लोग चोरी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज थे। और पुलिस वालों के खिलाफ एक थाने के बाहर मौजूद सड़क पर धरना देने बैठ गए। सड़क के बीच में बैठे एक बुजुर्ग आदमी को पुलिस वालों ने पहले लात मारी, फिर डंडे से पीट दिया, जबकि वहां खड़ी एक महिला को भी धक्का देकर सड़क से हटाते हुए दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई में बुजुर्ग आदमी को काफी चोटें आईं। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से वहां काफी लंबा जाम भी लग गया। पुलिस वाले सड़क पर बैठी महिलाओं को उठाकर सड़क से हटाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पुलिस से नाराज ये लोग सड़क से नहीं हटे और गाड़ियों के आगे लेट गए। हंगामे के बीच पुलिस वालों ने एक तरफ की सड़क खाली करवाकर कुछ गाड़ियों को आगे बढ़ाया, लेकिन परिवार के लोग फिर से सड़क पर लेट गए और हंगामा करते रहे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते ही अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। डीआईजी साहब ने हमारे अपने पुलिस उप अधीक्षक पुचाना की ड्यूटी लगाई, वो इंक्वायरी इसके अंदर कर रहे हैं। इससे पहले सड़क पर बैठे इन लोगों को पुलिस अधिकारियों ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ सड़क पर बैठे ये लोग नहीं माने और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अब बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।